हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग होम से रिलेटेड अप्लायंस के बारे में जान रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग फोटोकॉपियर मशीन, फिर आपको माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए इस वीडियो लेक्चर में रेफ्रिजरेटर के बारे में जानेंगे। क्या होता है सर रेफ्रिजरेटर? तो रेफ्रिजरेटर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, लेकिन इसका एक और नाम है फ्रीजर। बोले तो फ्रिज, जो कि आप लोग घरों में कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए या फिर किसी अन्य तरह के खाने पीने की वस्तुएं को ठंडा रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या सर आप फ्रिज के बारे में बताइएगा? सर सही में सर बहुत क्वेश्चन हमको होता था सर कि कैसे आखिर फ्रिजवा ठंडा रखता है सर कोल्ड ड्रिंक को आके, या कुछों के ठंडा काहे रखता है सर, कैसे ये वर्क करता है सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। चलिए आज तो सीखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आप फ्रिज के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए एकदम फ्रिज के बारे में बताएंगे। देखिए इस फ्रिज के कॉन्सेप्ट को समझने से आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? अगर आपके घरों में फ्रिज है, थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उसको आप सही कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप उसके पूरे मेथड को समझ पाएंगे कि कैसे एक फ्रिज किसी चीज को ठंडा रखने में काम आता है। और साथ ही साथ एसी हो गया या फिर जितने सारे भी हैं, एसी हो गया, ये सब कैसे ठंडा रखते हैं, इसके प्रिंसिपल को आप समझ पाइएगा। एसी भी जस्ट इसी पे, मतलब जो भी ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है उसका जो फंक्शन है वो सेम लाइक एज एक ही होता है। सिर्फ एसी है कि ज्यादा एरिया को ठंडा रखने का काम करता है, और फ्रिज है कि एक छोटे से हिस्से को ठंडा रखने का काम करता है। जैसे फ्रीजर उसके अंदर जो कुछ भी रखते हैं ठंडा रखता है, एसी है रूम में लगा देते हैं पूरे रूम को ठंडा रखता है क्या। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल और इसकी प्रक्रिया कैसे ये काम करता है, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो एप्लीकेशन तो आप लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल कर रहा है, बट ये कैसे काम करता है ये आप लोग नहीं जान रहे। तो चलिए देर न करते हुए इसके टॉपिक्स पे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले इसका एक और नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है वो क्या है, रेफ्रिजरेटर। बोले तो थ्योरी वगैरह है सब में हम लोग जो पढ़ते हैं, बोले तो अपना जो बुक है सिलेबस है उसमें रेफ्रिजरेटर के नाम से ये जाना जाता है। क्या? रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये क्या होता है सर, क्या करता है ये? तो ये क्या है, एक अप्लायंस है, एन अप्लायंस और कंपार्टमेंट, अप्लायंस कहिए या फिर एक कंपार्टमेंट है। बोले तो फ्रीजर एक क्या है, कंपार्टमेंट है, विच इज आर्टिफिशियली केप्ट कूल एंड यूज टू स्टोर फूड एंड ड्रिंक्स। जो क्या करता है कि आर्टिफिशियली कूल रहता है। बोले तो मानव के द्वारा उस कंपार्टमेंट को ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडक रहेगा। तो ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर एक क्या है, तो एक अप्लायंस है जो मानव निर्मित है, वो एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें क्या होता है, ठंडा रहता है, जिसमें हम लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं को ठंडा रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। क्या है, इट इज नोन एज रेफ्रिजरेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीजर, या फिर फ्रिज भी इसको कहते हैं। तो देखिए मेनली रूप से देखा जाए तो ये जो फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, इसके दो पार्ट हो रहे हैं। जो इसके अंदर में लगे हुए हैं सिस्टम जो है, इसका जो वर्क कर रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम क्या है, कैसे है, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि देयर आर टू पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, पहला इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसको कहेंगे सर, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मींस ऐसा सिस्टम जिसको पावर सप्लाई का आवश्यकता पड़ेगा। जैसे उस फ्रीजर को आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है, नहीं जलते रहता है, और उसके अंदर में स्विच वगैरह सब भी लगे हुए रहते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस जिसको ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेटर
वर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एग्जाम्पल में है बल्ब है, स्विच है, उसमें फैन भी लगा हुआ होता है, एटीसी, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हेल्प से वो वर्क करता है। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है सर? तो मैकेनिकल सिस्टम तो कह रहा है कि द सिस्टम रेफ्रिजरेटर इन विच फ्लो ऑफ गैस इज नोन एज मैकेनिकल सिस्टम। क्या सर? इस रेफ्रिजरेटर में गैस फ्लो होता है? जी हाँ, जी हाँ। कैसे सर? तो आपने फ्रिज के पीछे देखा होगा, पीछे आपने देखा होगा कुछ इस तरह की पाइप टाइप के बने हुए होते हैं, पाइप टाइप के बने हुए होते हैं, और पाइप को सपोर्ट के लिए जो ब्लैक वाला लाइन खींचा हुआ वो क्या है? मेटल स्टिक्स है, मेटल स्टिक्स है जो कि इन पाइपों को सपोर्ट देते हैं ताकि वो ये इधर उधर ना हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या होता है, गैस प्रवाहित होते रहता है, बोले तो गैस इसमें फ्लो करता है। तो ये जो है हमारा, वो जो है ये जो जिस जो मैकेनिकली रूप से काम आ रहा है, जिसमें किसी तरह का पावर सप्लाई का इस्तेमाल ना हो रहा है, और जो यूज हो रहा है किस लिए? तो गैस को फ्लो कराने के लिए। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल सिस्टम। जिसके मेन कंपोनेंट को देखा जाए तो एक कंडेंसर है, एक फिल्टर है और एक कंप्रेसर है। चूंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये जो पाइप नुमा है सर्कुलर टाइप का, इसको ये पूरा जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कंडेंसर कह रहे हैं। और ये बीच में देखिए फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर है, और ये नीचे क्या है? कंप्रेसर है। सबका अपना अपना पार्ट है, कैसे ये वर्क करता है ये बताएंगे। फिर ये क्या है? इवेपोरेटर। ये चूंकि ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का क्या है? ब्लॉक डायग्राम है, जिसके पांच मेन एलिमेंट है, और वो पांचे मेन एलिमेंट कौन कौन है? तो पहला हो गया हमारा कंडेंसर, क्या हो गया हमारा? कंडेंसर। और ये क्या हो गया? फिल्टर। और ये क्या हो गया? कंप्रेसर। तीन हो गया। और ये जो सर क्वाइल टाइप का है, स्प्रिंग नुमा जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। और ये क्या है? इवेपोरेटर। तो ये जो पांच हैं कंपोनेंट, ये मेनली रूप से हमारे पांचों कंपोनेंट है, और इसी के वर्किंग के कारण हमारा जो है फ्रीजर किसी वस्तु को, किसी फूड को या ड्रिंक्स को क्या करने का काम करता है? ठंडा रखने का काम करता है। तो चलिए आइए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। चलिए एक बार में हम शॉर्ट में आपको बताने का काम करते हैं, बोले तो सारांश के रूप में इसको समझाने का काम करते हैं, उसके बाद मैंने जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ करके मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंडेंसर है, फिल्टर है, कंप्रेसर है, कैपिलरी ट्यूब है, और इवेपोरेटर है। तो सबसे पहले कंप्रेसर की बात करते हैं। कंप्रेसर, कंप्रेसर मतलब ऐसा डिवाइस होगा जो प्रेशर जेनरेट करेगा। प्रेशर, ये कंप्रेसर का काम क्या है? तो कंप्रेसर का काम दो काम है, मेनली रूप से दो काम है, कि गैस को खींचना और एक तरफ से बाहर निकाल देना, एक तरफ से खींचना और दूसरे तरफ से बाहर निकाल देना, दो काम है। एक कंप्रेसर का क्या काम है? एक गैस को, जो गैस है उसको खींचना और खींच करके दूसरे तरफ निकाल देना। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका ट्यूबवेल जो आप मोटर वगैरह सब में ये काम करते हो, जैसे आप क्या करते हो, ले जाते हो टुल्लू पंप जो होता है खेतों में, ले जाते हैं तलाव में, उसका एक पाइप डाल देते हैं और दूसरा मुंह खेत की तरफ कर देते हैं, उस तलाव से पानी को खींचता है एक तरफ से और दूसरे तरफ निकाल देता है। मतलब एक तरफ से सक्सेशन करता है, खींचता है सक्सेशन वाला पार्ट, और दूसरे तरफ क्या हो जाता है? तो डिस्चार्ज कर देता है। सक्सेशन और डिस्चार्ज, सक्सेशन और डिस्चार्ज। इट मीन्स जिस तरफ से गैस को ये क्या करेगा? खींचने का काम करेगा, उस पॉइंट को कहेंगे सक्सेशन पॉइंट। जैसे ये जो है, ये जो पाइप है, इधर से इस गैस को क्या करता है? ये कंप्रेसर खींचने का काम करता है। तो इस टाइप को, जिस टाइप में ये गैस को खींचने का काम करेगा, मान लिया जाए ये वन वाला जो पार्ट है, इधर से खींच रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सक्सेशन कर रहा है, गैस को खींचने का काम कर रहा है। और ये दूसरे तरफ क्या कर रहा है? तो इस तरफ क्या कर दे रहा है? डिस्चार्ज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिस्चार्ज कर दे रहा है। वन तरफ सक्सेशन का काम कर रहा है, एस से डिनोट कर दे रहा हूं सक्सेशन, और इधर डिस्चार्ज, डी से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, डिस्चार्ज करने का काम कर देता है। आप कहिएगा कि सर ये आप दो तो पाइपा के बारे में बताएं, कंप्रेसर में तीन को होल है, मतलब तीन तरह का पाइप हो रहा है, एक इन कर रहा है, एक आउट कर रहा है, और एक और नीचे में है सर, ये क्या करता है सर? ये क्या करता है सर? तो ये क्या है? चार्जिंग लाइन है। ये क्या है बाबू? देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कंप्रेसर में, ये क्या है?
चार्जिंग कंसिस्ट चार्जिंग लाइन इट मीन्स मतलब सर, तो इसमें गैस को फिल करने का काम, जब नया इसमें बनता है तो बनने पे इसमें सबसे पहले गैस को फिल किया जाता है, तो उसको फिल करने के लिए इस वाले पॉइंट के द्वारा इसको गैस फिलिंग करने का काम किया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, चार्जिंग लाइन है जिसके द्वारा इसमें गैस को प्रवाह कराया जाता है। कौन सा गैस है, तो इसका जो मेन कूलिंग एजेंट है जिस गैस के द्वारा इसको ठंडा कराया जाता है वो है क्या है, तो फिरौन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, फिरौन, ठीक है, फिरौन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये जो है इधर से ला रहा है गैस को और इधर डिस्चार्ज कर दे रहा है, इधर से सक्सेशन कर रहा है, इधर डिस्चार्ज कर दे रहा है। और ये जो गैस है, जो हमारा गैस है कूलिंग एजेंट फिरौन गैस, वो क्या होता है कि इस ट्यूब के द्वारा, ये जो ट्यूब है सर्कुलर ये ऐसा मुड़ा, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, कंडेंसर। क्या काम है इसका, तो उस गैस को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाना और उसको ठंडा करने का काम करता है, इस गैस को ठंडा करने का काम करता है, धीरे धीरे कम ठंडा का होता है। कैसे, तो जैसे जैसे ये पाइप में आगे की ओर बढ़ता जाता है तो इसका गर्मी जो है, गैस जो है उसमें हीट होगा और वो गैस का हीट है धीरे धीरे कमता है और धीरे धीरे उसको कंडेंस करता है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है इस कंडेंसर के द्वारा, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, बोले तो संघनन। जो हमारा गैस है वो ठंडा होकर के द्रव्य की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, संघनन की प्रक्रिया में वही होती है। तो ये जैसे जैसे ऊपर आएगा तो ज्यादा गर्म होगा, लेकिन जैसे जैसे इस पाइप में, ये मेटल का पाइप होता है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है इसकी गर्मी धीरे धीरे कमते जाती है और ये ठंडा हो जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट पाइप जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है, बट नीचे आते आते इसका गर्मी क्या है, खत्म हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जब लिक्विड फॉर्म में ये गैस हमारा हो गया तो वो गैस जाता है इस फिल्टर से। अब इस फिल्टर में बाबू दो प्रक्रिया होता है, एक प्रक्रिया होता है इसमें क्या होते हैं, सिलिकन के छोटे छोटे गोली टाइप के होते हैं फिल्टर में, जो कि इसमें के जैसे जिस टाइम में इसमें गैस भरा जा रहा है तो सबसे पहले इसमें का जो भी नमी वाला गैस है, हवा जो है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां हवा होता है, उसको निकाल लिया जाता है। बट निकाल लिया गया, थोड़ा बहुत कहीं पे रह गया, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लगा होता है, फिल्टर। क्यों लगा हुआ रहता है सर फिल्टर, उस गैस को, उस हवा को निकालना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर इस नमी वाला जो हवा है उसको आप नहीं निकालिएगा तो वो क्या होगा कि इस गैस के कारण, फिरौन गैस के कारण वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें उस हवा में नमी होगा और वो नमी जब ठंडा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, बर्फ के टाइप में। और वो बर्फ जब इस कैपिलरी के द्वारा, ट्यूब के द्वारा आगे की ओर जाएगा तो इसमें कहीं पे भी, ये पाइप है बहुत पतला पाइप होता है, आपका जो कलम का लीड होता है उतना पतला पाइप होता है, तो इसमें जब वो गैस जाएगा और वो कहीं पे बर्फ, नेफ्रॉन गैस, फिरौन गैस के कारण ये क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, तो वो पाइप में फिर गैस का आगे की ओर मोशन या पीछे की ओर होना बंद हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा फ्रिज वर्क करना बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये फिल्टर लगाया जाता है जिसके में एक छोटे छोटे दाने के सिलिकन की गोलियां होती है, सिलिका की गोलियां होती है, जो कि क्या करता है, उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए, ये जैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद इसमें क्या बचेगा, इसमें वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें जो हमारा फिरौन गैस जो भी है, फिरौन गैस वो क्या होगा कि ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, और वो फिरौन गैस लिक्विड फॉर्म में ये धीरे 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 इस कैपिलरी मोशन के थ्रू होकर के जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो पाइप है वो बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाने के कारण से इसमें जो अमाउंट होगा फिरौन गैस का वो कम होगा और इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कम अमाउंट में जब बढ़ेगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर को, क्योंकि इस पाइप क्या है बहुत पतला है, तो ये उस प्रेशर को क्या करेगा, कंट्रोल्ड करेगा और वो प्रेशर धीरे धीरे गैस का, फ्रियोन गैस का कहां चलाएगा, तो इवेपोरेटर में। क्योंकि ये इवेपोरेटर है सर, आप कह रहे हैं ये फ्रिज का है ब्लॉक डायग्राम, तो सर ये तो समझ में आ रहा है हमको कि पीछे लगल रहता है, फ्रिजवा के पीछे लगल रहता है,
सर ये भाई प्रेडेटर हवा कहाँ लगा रहता है बताइए जरा। तो बाबू जैसे आप गेटवा खोलते हो फ्रिजवा के, तो सबसे ऊपरेला जो हिस्सा होता है जितना में हम बर्फ जमाने के लिए रखते हैं पानी को, उसमें ऊपर देखिएगा इतना छोटा सा लगा हुआ रहेगा, वही होता है मेन कूलिंग जो करने का काम करता है, यही इवेपोरेटर करता है। और बाकी उसके नीचे वाला जो और सब पार्ट है ना, वो उसके चलते नीचे वाला पूरा इलाका ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसका गेट है जो कि क्लोज रहता है, और क्लोज रहता है तो क्या करेगा, उन नीचे वाले सारे चीजों को ठंडा रखता है उसके प्रभाव से। जैसे रूम में आप एक कोना में आग जला दीजिए ठंडा के दिन में, तो वो रूम पूरा हीट हो जाता है, उसी प्रकार से वो पैक है तो एक कोना उसका ऊपर वाला हिस्सा को हम ठंडा इवेपोरेटर जिसमें लगा उसमें ज्यादा ठंडा रहता है, और उसके प्रभाव से नीचे भी थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या है, फ्रीजर काम करता है, रेफ्रिजरेटर काम करता है। चूंकि आप कहिएगा कि सर इवेपोरेटर में ठंडा कैसे हुआ, ये तो बताइए नहीं किए, तो आप लोग गर्मी के दिन में घड़ा का इस्तेमाल करते हैं पानी को ठंडा रखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि घड़े में छोटे 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 क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है पानी रिस करके बाहर आता है, और वो पानी गर्मी के कारण से वेपोराइज्ड हो जाता है, बोले तो बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, और वो जो वाष्प में बदल जाता है जिसके कारण से वो घड़ा है जो ठंडक महसूस करता है, वही वाला काम यहाँ भी हो रहा है। देखिए यहां से जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर इवेपोरेटर में आया, इवेपोरेटर में एक होता है इवेपोराइजेशन प्रोसेस, बोले तो बात बहुत सर्जन वाला, और वो जो वाष्प में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड वाला वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये अपना इवेपोरेटर वाला हिस्सा ठंडा रखता है, और फिर वो वाष्प ये पाइप से देखिए, फिर से वो वाष्प इस पाइप से होते हुए फिर से इस कंप्रेसर के पास चलाता है, फिर कंप्रेसर उसको खींचेगा और इधर आउट कर देगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और इसी प्रकार से इवेपोरेटर हमारा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, और इसमें जो भी सामान रखना है रखिएगा, वो ठंडा रहेगा। इस प्रकार से हमारा एक फ्रिज रेफ्रिजरेटर क्या होता है, काम करता है। चलिए अब इसको डिटेल में जो भी मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ करके एक बार इन्हीं यही प्रोसेस है जो प्रोसेस मैंने बताया, इसी प्रोसेस को फिर से एक बार हम लोग जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समझ लेते हैं। कुछ पॉइंट जो कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है, गैस का इस्तेमाल किया जाता है ये ध्यान में रखिएगा, और चलिए इसको देखते हैं कैसा है ये, कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द एबव फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइव कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर कौन कौन है, तो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, और फिल्टर है, और कैपिलरी ट्यूब है, और एक है इवेपोरेटर। चूंकि मैं बता दूं यहाँ पे दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, एक कंडेंसर आ रहा है, और ये कंडेंसर आप वो वाला कंडेंसर नहीं समझ लीजिएगा जो फैनवा में गोल का लगल रहता है, समझ गए ना, कैपेसिटर होता है जिसका नाम एक और कंडेंसर है, बट वो वाला कंडेंसर ये नहीं है। देख ही रहे हैं ये क्या है, तो ये क्या है, पाइप है, पाइप जिसके मदद से हमारा जो गैस है वो प्रवाह होता है इसके में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कंप्रेसर का क्या काम है। सर कंप्रेसर क्या करता है ये बताइए, तो कंप्रेसर इज सक्शन एंड डिस्चार्ज द गैस रिस्पेक्टिवली ऑल्सो नोन एज सक्सेशन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। ये क्या करता है कंप्रेसर, तो ये कंप्रेसर गैस को सक्सेशन मतलब खींचने का काम करता है और डिस्चार्ज करने का काम करता है। देख ही रहे एक तरफ वन वाला पॉइंट से सक्सेशन का काम कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है, ये गैस को कंप्रेसर के द्वारा खींचा जा रहा है और इधर से डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इन दिस कंसिस्ट चार्जिंग लाइन फॉर फिलिंग गैस इन कंप्रेसर, और एक और जो ये लाइन है ये वाला लाइन ये क्या है हमारा चार्जिंग लाइन है, ये क्या है हमारा चार्जिंग लाइन है, जिसके मदद से इसमें गैस को फिल किया जाता है, इसमें गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कंप्रेसर इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम, इट इज कंसिस्ट पिस्टन एंड सिलेंडर। देखिए ध्यान दीजिएगा सर कि ये जो कंप्रेसर, जैसे मैंने बताया कि इसमें दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो देखिए ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर जो अपना वर्क ये कर रहा है सक्सेशन का और डिस्चार्ज का, ये इसको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है ये काम करने के लिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और चूंकि ये क्या कर रहा है, गैस को एक तरफ से खींच रहा है दूसरी तरफ भेज रहा है, तो ये गैस को ढोने का भी काम कर रहा है, फ्लो कराने का भी काम कर रहा है,
इसलिए इसको हम लोग मैकेनिकल सिस्टम के भी अंतर्गत रखते हैं। इट मींस कंप्रेसर एक ऐसा सिस्टम है जो मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो ये कंप्रेशन जो होता है वो किसके कारण से होता है, तो इसमें लगे होते हैं, इसके इनर पार्ट में होते हैं पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन और सिलेंडर, जिसके मदद से ये कंप्रेशन और डिस्चार्ज करने का काम पूरा करता है। चलिए कंडेंसर के बारे में जानते हैं। कंडेंसर क्या है, तो द पाइप इन विच गैस फ्लो, द पाइप इन विच गैस फ्लो इज नोन एज कंडेंसर। ये क्या है, ये सारे क्या है, पाइप है, मेटल के पाइप है, और इन पाइप से होकर के क्या हो रहा है, गैस हमारा फ्लो कर रहा है, इसीलिए इस पाइप को हम लोग क्या नाम दिए हैं, कंडेंसर। इस पाइप का नाम क्या है, कंडेंसर, ठीक है। कह रहा है कि इन बीच फ्लो ए स्पेशल गैस, फ्रियोन गैस, एंड द गैस कन्वर्टेड गैस इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए इसमें क्या है, एक स्पेशल टाइप का गैस फ्लो होता है, वो क्या है, तो फ्रियोन गैस है, और ये फ्रियोन गैस क्या है कि गैस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो जिस प्रोसेस को इस कंडेंसर में होता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, और कंडेंसेशन मतलब कि संघनन प्रक्रिया में ये गैस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो किससे होकर के गुजरता है, सबसे पहले फिल्टर से होकर के गुजरता है। तो फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है, फिल्टर। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, कह रहा है कि कंडेंसेशन आर सपोर्टेड बाय मेटल स्टिक। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर बोले तो ये सर्कुलर लुम्बा जो पाइप है हमारे, ये पाइप्स को सपोर्ट दिया हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक का जो मेटल स्टिक्स आपको नजर आ रहा है ये सपोर्ट दिया हुआ रहता ताकि पाइप इधर उधर ना हो, तो इसलिए इसको सपोर्ट किया जाता है। और ये जो स्टिक्स है ब्लैक कलर से, ये स्टिक्स इसके अंदर के जो आपके गैस हैं उसको ठंडा करने का भी काम करते हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे गैस ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ये चूंकि मेटल का बना होता है तो वो उसके गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और वो धीरे धीरे नीचे आते आते तक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब वो भाप जो है, वो गैस जो है, वो किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडेंसर आर सपोर्टेड बाय मेटल स्टिक, इट इज द हेल्प कूलिंग ऑफ गैस इन कंडेंसर, जो कि इसमें जो गैस फ्लो हो रहा है उसको ठंडा करने में हेल्प करता है। कह रहा है फिल्टर, फिल्टर का क्या काम है सर, तो फिल्टर इज ए कंटेन टीनी स्मॉल सिलिका जेल, सिलिका जेल क्या रखता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल, जो क्या करता है, तो वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, नमी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपने देखा होगा कोई भी सामान प्रोडक्ट वगैरह आप लोग लेते हैं, जैसे मैं बता दूं जूता चप्पल भी लेते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, तो उसमें एक छोटा सा पैकेट होता है व्हाइट कलर का, उसमें आप फाड़ करके निकालिएगा तो छोटे छोटे दाने होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो उस नमी को एब्जॉर्प्शन करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो वही काम इस फिल्टर में भी होता है, क्योंकि मैंने बताया वो जो नमी है, वो नमी क्या होता है, इस फ्रियोन गैस के कारण, फ्रियोन गैस के कारण वो ठंडा होगा और वो बर्फ का रूप ले लेगा, जिससे क्या होगा, पाइप है जो कि जाम होने का डर है, तो इसीलिए उस नमी के जो थोड़ा बहुत गैस है, इसमें जब गैस को भेजा जाता है बोले तो फिल किया जाता है, तो उस समय इसके अंदर के जो भी हवा होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस हवा में नमी छुपा होता है, और वो नमी इस फ्रियोन गैस से ठंडा होकर के अंदर में बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन जाएगा तो जो गैस का प्रवाह है, फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिससे हमारा ये सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो ठप पड़ जाएगा, इसलिए उसको क्या कर लिया जाता है, सिलिका के कारण उसको हटा लिया जाता है, सोख लिया जाता है, तो इसीलिए फिल्टर सर्किट का यहाँ पे ये फिल्टर हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फिल्टर इज कंटेन टीनी स्मॉल सिलिका नेट, नेट बोले तो जाल लगा होता है, छोटे छोटे छिद्र वाले जाल लगे होते हैं, वो क्या काम करता है, क्योंकि ये जो हमारा पाइप है वो मेटल का है, तो मेटल वाले पाइप में नमी वाला आ रहा है वाटर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वो क्या हो सकता है, जंग लग सकता है, जंग से उसके जो रास्टिंग हो सकते हैं बोले तो डस्ट जो होगा वो धीरे धीरे इसमें आएगा, और चूंकि यहाँ पे देखिये कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतला होता है तो इसके अंदर वो जाएगा तो ये जाम हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे फिल्टर लगाया जाता है जो कि उसको क्या करता है, छानने का काम करता है, क्योंकि उसमें एक जाल लगा हुआ रहता है। तो सिलिका, सिलिका, सिलिका
सिलिका एब्जॉर्ब एयर, एयर को एब्जॉर्ब करता है एंड नेट फिल्टर रस्ट ऑफ मेटल पाइप। और जो हमारा नेट होता है उसमें जाल जो लगा हुआ रहता है फिल्टर के अंदर, वो उसके रस्ट को क्या करेगा, जो है उसको फिल्टर करने का काम करेगा। उसके बाद कह रहा है कि फिल्टर प्रिवेंट चोक प्रॉब्लम। चोक प्रॉब्लम क्या है, तो वही चोक प्रॉब्लम जो बर्फ बन जा रहा है उसको हम लोग इसमें चोक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, नमी का बर्फ बनना पाइप में फ्रियोन गैस के द्वारा, इसी को क्या कहते हैं, चोक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे ये प्रिवेंट करता है, बचाने का काम करता है फिल्टर। फिर कह रहा है कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है और इसको क्या किया जाता है, स्प्रिंग नुमा बनाया जाता है। ऐसा क्यों सर, तो चलिए ये देखते हैं। देखिए कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब द पाइप, कह रहा है कि द पाइप इन स्प्रिंग फॉर्म इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। वैसा पाइप जो स्प्रिंग नुमा बना होता है उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 8 to 12 feet, चूंकि 8 से 12 feet का इसका लंबाई होता है। अब सोचिए फ्रिजवा तो हम इतना बड़ा रहता है सर, और 8 से 12 feet के लंबाई ऊपर कैसे एडजस्ट करिएगा, तो उसको इसीलिए स्प्रिंग नुमा बना दिया गया है, समझ रहे हैं ना, ताकि उस लेंथ को कम किया जाए और उसमें एडजस्ट किया जाए। ठीक है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज 0.22 से लेकर के 0.23 mm तक होता है। इसलिए सो द प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट इज डिक्रीजेस, उसमें जो एलिमेंट होंगे रेफ्रिजरेंट बोले तो वही फ्रियोन गैस वाला जो एजेंट होगा वो कमेगा, क्योंकि रास्ता कम है तो उसमें ज्यादा अमाउंट में नहीं जा सकता है, और वो कमेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है कि विद द हेल्प, इसीलिए इसका रेफ्रिजरेंट का एजेंट डिक्रीज करता है, दस द प्रेशर इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और उसका प्रेशर जो है एक सामान्य मात्रा में कंट्रोल्ड कर लिया जाता है, बढ़ाया जाता है, लेकिन बढ़ाने के साथ साथ उसको कंट्रोल भी कर लिया जाता है। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंसर, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं कैपिलरी ट्यूब को। उसके बाद लास्ट है इवेपोरेटर, जिसके में शीतलक का काम होता है, ठंडा करने का काम होता है। कैसे होता है सर, तो देखते हैं। कह रहा है कि इट इज कूलिंग द इन द साइड ऑफ इवेपोरेट, इट इज क्या कह रहा है, इवेपोरेटर जो है ये क्या करने का काम करता है, ठंडा करने का काम करता है, इसके अंदर का पार्ट जो है ठंडा रहता है। ऑल्सो नोन एज फ्रिज, और इसको हम लोग फ्रीजर भी कहते हैं और कूलिंग क्वाइल भी कहते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है, फ्रीजर के नाम से और कूलिंग क्वाइल के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि इट इज फिटेड इन फ्रिज टॉप इनसाइड इन विच फॉर्म्ड आइस बार। देखिए इसको कहाँ पे फिट किया जाता है, तो फ्रीजर जब हम खोलते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसी में लगा हुआ रहता है। ठीक है, ड्यू टू कंप्लीट वेपोराइजेशन, और ये क्या करता है, तो उसमें कोई भी वाटर वगैरह सब रहेगा तो उसको बर्फ के टाइप में कन्वर्ट करने का काम करेगा, बोले तो ठंडा करने का काम करेगा। और वो किस कारण से कर पाता है, तो वेपोराइजेशन के द्वारा। बात तो सर्जन मैंने बताया, गर्मी के दिनों में घड़ा में पानी रखते हैं, ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, टेम्परेचर से हीट होते हैं और बाष्प में बदलते हैं। जैसे ही वो बाष्प में बदलता है तो उसके अंदर वाला जो पानी है वो क्या होता है, ठंडा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है सर, इवेपोरेटर में वो जो लिक्विड फॉर्म में कैपिलरी ट्यूब से जो लिक्विड आ रहा है वो क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, और वो वाष्प फिर इस ट्यूब के साथ होते हुए इस कंप्रेसर की मदद से खींच लिया जाएगा और पुनः इसको इधर डिस्चार्ज कर लिया जाएगा, और ये प्रोसेस रेगुलर फर्दर चलता रहेगा। और इस प्रकार से हमारा फ्रिज क्या करता है, तो ठंडा रखने का काम करता है, किसको, तो फूड को, या फिर कोई भी ड्रिंक मटेरियल हो, या फिर मेडिसिन वगैरह सब भी ऐसे होते हैं जिनको उतना लिमिट टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो उसका भी रखने का इस्तेमाल हम लोग कर लिया जाता है। तो एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, एक तो फूड को ठंडा करने के लिए, ड्रिंक को ठंडा करने के लिए, मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, मेडिसिन स्टोरेज के लिए भी। तो ये एप्लीकेशंस हो गया और इसका वर्किंग प्रोसेस हो गया।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, तो फ्रीजर के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, कि वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस, उसका ब्लॉक डायग्राम के साथ से और उसका एप्लीकेशन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।